विकांश, have a look at this. डॉक्टर ब्रजेंद्र ने प्रोगेरिया पर पूरी की पूरी किताब लिखी हुई है. लिखा है रिसर्च करते वक्त उन्होंने एक ऐसे केमिकल कंपाउंड का इजाद किया जिससे इस बीमारी का इलाज हो सकता है. Have a look at this. एस्ट्रोसल्फेट, बॉसिंग डाइऑक्साइड और क्रिक्सिन मैग्नेट. सर ये तो वही कंपाउंड है जो सुरेश की बॉडी में मिले थे. हाँ, पर अगर बीमारी का इलाज मिल चुका है तो ये बच्चे ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? सर इन शक्लों को देखिए, ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन पर ये ड्रग इस्तेमाल किए गए. सर एक और चीज देखिए, ये लेटर जो ड्रग रजिस्ट्रेशन ऑफिस से आया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि डॉक्टर साहब ये ड्रग इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये गैर कानूनी है, क्योंकि इस ड्रग का इस्तेमाल करना बहुत ही खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है. लेकिन डॉक्टर ब्रजेंद्र का इरादा टस से मस ना हुआ. उन्होंने लोगों को ये दवाई दे ही दी बिना उन्हें बताए. सर लेकिन वो कहाँ टेस्ट करते होंगे? ये जगह तो ऐसा लगता नहीं यहाँ कुछ हो. अभिमन्यु का फोन है. हेलो हेलो, हाँ अभी बोलो. पता मिल गया? गुड, मैं एकांश के साथ अभी वहीं पहुंचता हूँ. ऑलराइट, अभिमन्यु को उस कैप्सूल बनाने वाली कंपनी का पता मिल चुका है. लेट्स गो. एक्सक्यूज मी, हमें आपकी कंपनी के मालिक से मिलना है. सर आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं है, ये है. चलेगा? एसटीएफ सर, एसटीएफ के ऑफिसर्स आपसे मिलने आए हैं. सर आप कितनी देर में आ रहे हैं? ठीक है सर. सॉरी सर, सर तो अभी एक मीटिंग में बिजी है. आप थोड़ी देर वेट कीजिए, उन्होंने कहा है वो आ रहे हैं. एक्सक्यूज मी, मेरा नाम जयंत गांधी है, मुझे मिस्टर जयकाल से मिलना है. लेकिन सर तो मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं. अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी 5 मिनट पहले तो मेरी फोन पर बात हुई, वो मेरे इंतजार कर रहे हैं. आप उन्हें फोन लगाइए और मेरी बात कराइए. मिस्टर जयकाल सर, वो तो भाग गया. कांच कैरी, तुम लोग उस तरफ से उनको कॉर्नर करो.